हाँ देखिए, हमें वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोला है, नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले काम करो, पहले ए क्रॉस बी पता करो, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है पहले लिखते हैं हम, डिटरमिनेंट में आना चाहिए। वेक्टर ए के कोएफिशिएंट है 3-1, 2 और वेक्टर बी के कोएफिशिएंट है 2-1, 1। फिर आपको पता है कि आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, जितना शॉर्टकट करो उतना अच्छा रहता है, बीच वाले का साइन चेंज, रो कॉलम छोड़ दो 3-2, 2-1, और तीसरे वाले का रो कॉलम छोड़ के कितना होता है 3-1, 2-1। अब ये सब करके ए क्रॉस बी का आंसर आएगा -i + 7j + 5k। इसका आंसर आएगा ए क्रॉस बी का, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है। अब बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब इसका आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी बना क्या, अब ए क्रॉस बी यानी एक वेक्टर होता है और ये दूसरा वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, फिर से करो क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा, ये एक ही वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट करने, बताओ ये पहला वेक्टर ए क्रॉस बी के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, बताओ इसके कोएफिशिएंट क्या है -1, 7, 5 और दूसरा वेक्टर है सी, उसके कोएफिशिएंट क्या है 1, -2। अब आपको क्या है इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है वो डिटेल में जैसा बताया था, तो क्या आंसर आएगा 24i + 7j - 5k, ठीक है, ये हो गया नंबर 1, यानी आपने इसका आंसर निकाला, चलो हो गया इसका आंसर, अब इसका आंसर निकालो, पहले बी क्रॉस सी करो, पहले क्या करो बी क्रॉस सी, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं i, j, k, बताओ वेक्टर बी के कोएफिशिएंट कौन है 2, 1, -1 और वेक्टर सी के कौन से 1, -2, 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैं करके बता दे रहा हूँ, ये ऐसा करते हैं ना 2 × 2 - 2 × 2 + 2 है क्या, बीच वाले का साइन चेंज, ये कितना हो गया 2 × 2 = 4 - 1 × 1 - 1 तो -1 क्या था क्या होगा +1 बन जाएगा, ठीक है, फिर k कितना होगा 2 × 2 = 4 - 1 - 1 कितना होगा 2 - 2 = 0 i ब्रैकेट में 0 ये 5 k ब्रैकेट में -5 जीरो आए -5j - 5k ये है बी क्रॉस। अब बताओ आपको क्या पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब लिखो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर में होता है, बताओ ये पहला और ये दूसरा, बताओ ये पहला वेक्टर ए, बताओ पहले वेक्टर ए के कोएफिशिएंट कौन से, वेक्टर ए के कोएफिशिएंट कौन है देखो 3 - 1, 2 और बताओ वेक्टर बी क्रॉस ये दूसरा वेक्टर है, इसके कोएफिशिएंट में 0 - 5 - 1 0 - 5 - 1। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है वो बताओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हाँ घड़ी हो, हाँ देखिए आप क्या आंसर आया अपना 3, 1 - 2 - 3 इसका आंसर इतना है, यानी एक्चुअली 15 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, 15i - 15j - 15k, ठीक है। और अब बताओ इसका आंसर नंबर 2 में लिखा है मैंने और इसका आंसर नंबर 1 में लिखा, दोनों देखिए बताओ फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो बताओ इनके आंसर सेम है क्या, नहीं है, इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये पता चल गया हमें कि ये दोनों सेम नहीं है करके, तो लिखो